रुख आगे बढ़ाते हैं छत्तीसगढ़ से खबर, जहां चीन आसाम बॉर्डर पर तैनात आर्मी का एक जवान प्रमोद पटेल न्याय की गुहार लगाने के लिए दफ्तरों के चक्कर लगाने पर विवश है। प्रमोद पटेल का कहना है उसकी पुश्तैनी जमीन पर दबंगों ने कब्जा कर रखा है और दबंग उनके माता पिता के साथ मारपीट भी कर चुके हैं। मामले की शिकायत थाने में भी की गई लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। प्रमोद पटेल ने मीडिया के सामने अपनी समस्या रखी और जिला प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई। मैं छुट्टी में आया हूँ, मेरा खेत एक मतलब दबंग द्वारा जोत लिया गया है और उसके पक्ष में मैं 10 बार यहाँ मतलब 10 बार आया हूँ और एक बार शिकायत दिनांक 22 तारीख को किया था और उसके बाद अभी आज 4 तारीख को दोबारा आया हूँ, लेकिन अभी तक यहाँ की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हुई है। उसकी लिखित रिपोर्ट मेरे पास है, मैं बहुत परेशान हूँ। मेरे माता पिता अकेले हैं और उनका माता पिता अकेले हैं, वृद्ध हैं। देखिए होता क्या है कि हो सकता है कि अब वो आए हों और उस समय TI साहब ना मिले, किससे मिले वो आकर के थाने में। समस्या ये होती है कि वो मिले किससे, और आज आप लोग मेरी संज्ञान में ये बात दे रहे हैं तो मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि उस शिकायत पत्र की विधिवत जांच होगी और कार्रवाई होगी।